हेलो एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए और सबसे पहले मैंने कराया प्यारा सा हेयर कट। मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और मैं घर पहुँची और हस्बैंड को भी हेयर कट को दिखाया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गई मैं एक भाभी जी के पास मेहंदी लगवाने के लिए, उन्होंने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई। मेहंदी मैंने इसलिए भी लगाई थी क्योंकि मुझे न्यूली मैरिड वाइब्स लेनी थी, क्योंकि मैं शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी इनके साथ। सुबह उठकर जल्दी से हम लोग रेडी हुए और निकल पड़े सुबह की 5 बजे स्टेशन के लिए। और ये देखिए, सारा सामान पैक हो चुका है और मेरे हस्बैंड भी पूरी तरीके से पैक हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँचे स्टेशन। स्टेशन पहुँचकर हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, मस्ती की और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी। सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी तो हम लोगों को कॉफ़ी पीने का मन किया, इसलिए हम लोगों ने कॉफ़ी पी और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी किया। ये देखिए, मम्मी ने पूरी सब्जी बनाई थी, हम लोग लेकर गए थे और ट्रेन में बैठ के खाया। उसके बाद दोनों लोग लेट गए और फिर मस्ती करने लगे। काफ़ी इंजॉय किया रास्ते को और कुछ खाने पीने का भी लेकर गए थे, वो खाते पीते रहे। हमारा सफ़र पूरा दिन का होने वाला था, इसलिए हम लोग बाहर के नज़ारे लेते हुए विंडो सीट पर बैठ के सफ़र को इंजॉय करते हुए पहुँच गए देहरादून। देहरादून में हमने सबसे पहले की कैब और हम फिर पहुँच गए मसूरी। मसूरी पहुंचते ही रात का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि आप खुद देख सकते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने होटल लिया और चले गए होटल के अंदर। सो हमारा रूम कुछ इस तरीके का था, काफ़ी साफ सुथरा था और वॉशरूम भी देखिए कुछ इस तरीके का वॉशरूम था। हमने फिर डिनर किया और हम जल्दी से सो गए क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था। सुबह हम जल्दी रेडी हुए और उसके बाद निकल पड़े मॉल रोड पे। देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जाके हमने एक स्कूटी रेंट पर ली और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया धनौल्टी घूमने का। सो यहाँ पे हमने स्कूटी रेंट पे ली और निकल पड़े हम पहले दिन धनौल्टी के लिए। रास्ते भर हमें ऐसे ही नज़ारे मिलते रहे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला तो हम लोगों ने वहाँ पे किया नाश्ता। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें देखने को मिली थोड़ी सी बर्फ। ज़्यादा बर्फ तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सी दिख रही थी, तो सभी लोग वहाँ पे रुक के वीडियोस बना रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे इको पार्क जहाँ पे हमने कुछ वीडियोस बनाए और एंट्री टिकट वहाँ पे 50 रुपीज़ था पर पर्सन। और अंदर जाने के बाद हमने झूले एंजॉय किए। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई पे झूले लगे हुए थे और अच्छा नज़ारा वहाँ से भी मिल रहा था। वहाँ से सनसेट देखने के लिए अच्छा पॉइंट था। ये देखिए मस्ती करते हुए, ये इनकी मैंने वीडियोस बनाई और इन्होंने मेरी वीडियोस बना दी इस तरीके से। मैंने इनकी वीडियोस बनाई क्योंकि ये वीडियो बनवाते नहीं है जल्दी से, तो हमें बनाना पड़ा। फिर हमें उसके बाद देखने को मिली इतनी ढेर सारी बर्फ, तो हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की। शाम हो गई थी और ये था सनसेट पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग सनसेट को एंजॉय किए। तो कुछ ऐसा रहा हमारा मसूरी ट्रिप का पहला दिन, और इसके बाद हम सेकेंड डे का ट्रिप आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।